फ्री फायर क्यों नहीं चल रहा है? जो नए नए बंदे होंगे 2-3 महीने से उन्होंने फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया है, तो यार वो लोग सोच रहे होंगे कि यार फ्री फायर या मेंटेनेंस में मतलब क्या है, कहीं फ्री फायर बैन तो नहीं हो गया या ओपन क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है? तो उनका आज की इस वीडियो में क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। एंड कई लोग जानते होंगे कि फ्री फायर मेंटेनेंस में गया तो अपडेट आने वाला है, तो वो भी इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इस न्यू अपडेट में। तो यार इस वीडियो को पूरा देखें, एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज आज शाम को एक नए रिडीम कोड के चांसेस बनने आने के, तो अगर आप सबसे पहले रिडीम कोड लेना चाहते हो ना, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करिएगा टेक्नो बाय 7 यूजर नेम है। तो चलिए गाइज वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज यार यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि एक मेंटेनेंस है, ठीक है, जो कि यार हर 2 महीने में आता रहता है फ्री फायर में। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि नई नई चीज़ें इंप्रूवमेंट करते रहते हैं गरेना वाले फ्री फायर में, तो उसी वजह से यहाँ पर मेंटेनेंस ब्रेक आता है, जो कि फ्री फायर 9:30 बजे से 6:30 बजे के लिए बंद रहता है उस टाइम, और उसमें अपडेट इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। तो गाइज आपको प्ले स्टोर से अपडेट करना होता है फ्री फायर को, एंड उसका नया लोगो आता है, उसमें कई सारी नई नई चीजें आती हैं, नया ओबी अपडेट आता है, ओबी 31 अपडेट आने वाला है फिलहाल तो, जो आपकी बार आएगा। तो यार ये सिस्टम होता है, मैं नए लोगों को बता रहा हूँ जो जिन्होंने अभी अभी फ्री फायर को खेलना स्टार्ट किया है। अब जो पुराने बंदे हैं उन सबको तो पता ही है कि ये मेंटेनेंस क्या है, ओबी अपडेट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो नए नए बंदों को बस इतना बताना चाहूँगा कि गाइज ये मेंटेनेंस है, जो कि आज 9:30 बजे से 6:30 बजे तक के लिए रहेगा, उसके बाद आप फ्री फायर को अपडेट करने के बाद ईजिली खेल पाओगे और आपको नई नई चीज़ें गेम में मिलेंगी। अब ये नई नई चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं वो मैं आपको मोटा मोटी समझ देता हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है एंड वीडियो को पूरा देख लेना है। अपडेट के बाद गाइज यहाँ पे आपको क्लैश स्क्वाड का सीजन 10 देखने को मिलेगा, जो कि यार 2 दिसंबर से एक्टिवेट हो जाएगा। एंड गाइस जैसे यहाँ पे आप गोल्ड रैंक अचीव करते हो, आई मीन गोल्ड रैंक को क्रॉस करते हो, तो आपको यार यहाँ पे यूएमपी की गोल्डन कलर की स्किन, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपको क्लेम हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। एंड देन गाइस यहाँ पे लॉन वॉफ अवेलेबल होने वाला है, जैसा कि यार आप सभी को पता है लॉन वॉफ मैप आया तो यार उस टाइम मतलब बहुत बंदों ने इसे बहुत ज़्यादा लव किया था, मतलब पसंद आया था, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी मज़ा आता था सोलो वर्सेस सोलो और डुओ वर्सेस डुओ करने में। तो यार सेम यहाँ पे लॉन वॉफ अवेलेबल हो जाएगा परमानेंटली, अभी मतलब पहले टेम्परली था, कुछ दिन के लिए आया फिर चला गया और फिर कभी कभी आया, ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन इस बार गाइज इसके रैंक आने के भी यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं, तो रैंक के बारे में तो यार मुझे पता नहीं है, लेकिन यार लॉन वॉफ अब की बार आपके गेम में परमानेंटली अवेलेबल होगा, और यहाँ पे न्यू वीपन सेक्शन भी आने वाले हैं, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आपको पिन सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब अगर आप किसी आइटम को या किसी चीज़ को पिन करते हो, पहले क्या होता था कि बस उस आइटम की एक नोटिफिकेशन जाती थी और छोटा सा एक नोटिफिकेशन बन के आ जाता था, लेकिन गाइज अब क्या होगा कि आप लोग देख रहे होंगे एक वहाँ पे मतलब लाइन सी बन जाएगी और उसी के ऊपर जो आइटम रहेगा वो रहेगा, और उसके ऊपर मीटर भी दिखा जाएगा, मतलब कितने डिस्टेंस में है। वो चीज़ तो पहले थी, लेकिन गाइज आपके पास यहाँ पर थोड़ा यूनिक सा, थोड़ा अलग सा, थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइज यहाँ पे करेक्टर स्किल की बात करें तो यार क्रोनो के बारे में कुछ बोलने नहीं चाहता, मतलब यार इतना बुरा कर दिया, इतना टट्टी कर दिया क्रोनो को, यार क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो और क्या जो भी वो भी अपडेट आते हैं ना, उनमें क्रोनो को ढंग से पेला जाता है, क्या ही बोलूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी मतलब जान लो यहाँ पे क्या हुआ है क्रोनो में। सबसे पहला तो क्या जो ये घेरा बनाता है ना, जो अपनी शील्ड बनाता है, वो 800 HP तक यहाँ पे मतलब जो अटैक होता है उसको झेल सकती है, ठीक है। और क्या आप उस घेरे के अंदर से बाहर के किसी बंदे को डैमेज नहीं दे पाओगे, अब ऐसा और कर दिया है। और दूसरी बड़ी बात, जब आप क्रोनो को लगा के मतलब यूज़ करके उसकी स्किल को जब तेज भगते थे ना 10% 20%, पहले तो 80% तक भी था, अब वो बिल्कुल 0% कर दिया गया, मतलब अब भाग लो तुम कितना भागो क्रोनो लगा के, ठीक है। और गाइस यहाँ पे स्किल ड्यूरेशन जो पहले 5 सेकंड था वो 6 सेकंड कर दिया है, और जो कूल डाउन था पहले 220 सेकंड का, वो अब 120 सेकंड का कर दिया गया है। मतलब देख रहे हो चार्ज तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पहले से मतलब बहुत जल्दी चार्ज होगा, लेकिन ड्यूरेशन जो है इसका शील्ड का वो 6 सेकंड तक रहेगा, और आप उसे लगा के भाग भी नहीं सकते होते, जैसा भागते हो नॉर्मली वैसे ही भागोगे, और आप उस शील्ड के अंदर से किसी बाहर के बंदे को डैमेज भी नहीं दे पाओगे। देख रहे हो यार मतलब कितना बुरा टट्टी कर दिया, क्या है बोल उसके बारे में। क्रोनो के साथ साथ गाइज आपको यहाँ पे और भी कई 4-5 कैरेक्टर्स में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि यार आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आप बाद में पढ़ लेना, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक न्यू वेपन आने वाली है, जिसका नाम है मैक 10, और आप सभी को पता है हर ओबी अपडेट में न्यू कैरेक्टर और न्यू वेपन जरूर आता है, तो ये मैक 10 भी यार आने वाली है इस बार ओबी 31 अपडेट में। और यार ये मुझे MP40 की तरह फीलिंग दिखा रही है, मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में, देखने में ठीक ठाक है। बाकी यार अगर आप इसके बारे में फुल रिव्यू जानना चाहते हो तो यार YouTube पे कई सारी वीडियोस पड़ी हैं इसके बारे में, आप लोग सर्च कर लेना। एंड गाइस यहाँ पे ये बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड में अवेलेबल होगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट, मनी हाइस्ट,
फ्री फायर का कोलैबोरेशन मनी हाइस्ट से फिर से होने वाला है। और गाइस ये 3 दिसंबर से इसका कैलेंडर मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। मतलब क्या है बोले यार, इवेंट बहुत तगड़ा होने वाला है और इसके लिए यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। और ये वेब सीरीज का जो वॉल्यूम 2 है ना, सीजन 5 वॉल्यूम 2, वो भी 3 दिसंबर को आने वाला है। मतलब यार मैं दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक तो फ्री फायर में इसके इवेंट के लिए और इसका जो वॉल्यूम 2 आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपने मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और यार इसका वॉल्यूम 2 जो आने वाला है ना उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद गए यहाँ पे फिर से एक और पोस्टर आपको देखने को मिलेगा मनी हाइस्ट का, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड देन गाइस यहाँ पे एक नया इवेंट और आने वाला है न्यू एज करके, जो कि यार 25 दिसंबर से फ्री फायर में स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपको तगड़े तगड़े ओपी बंडल देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को देख लेना। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कि जैसे ही मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। और गाइस आज शाम को एक न्यू रिडीम कोड के आने के चांस बनने हैं, अगर आप उसे सबसे पहले रिडीम करना चाहते हो ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें टेक्नोबाइस न्यूज़ देने में। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।